फॉलो अप लें सो बिट कॉइन ने काफी डिसेंट एट हंड्रेड डॉलर का अपसाइड बाउंस बैक लिया है एंड करंटली बिट कॉइन मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जिसको आज हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड लास्ट नाइट बेट के सीएमई फ्यूचर का हमें इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजर देखने को मिला सो so, उसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट 24 फोर आवर में बेट कॉइन के स्पॉट मार्केट का हमें वीकली क्लोजर देखने को मिलेगा उसको भी आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड सिंस आज वीकेंड है सो so हम कुछ टॉप ऑल्ट एंड डिफरेंट ऑल्ट क्वाइंस के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस करेंगे सो मेक श्योर दैट आप आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो so, गाइज बिना टाइम लेते हुए जल्दी से अपनी एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके गाइस एज ऑलवेज हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन मार्केट मैट्रिक्स अपडेट के साथ जहां पर गाइस फ्यूचर मार्केट कैप में हमें काफी अच्छी सिमिलैरिटी जो है वो नोटिस कर सकते हैं गाइस यहाँ पर 24 फोर आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज के लॉन्ग अगर पोजिशन अगर so जो है गाइस वो ज्यादा ओपन होती हुई दिख रही है एज कंपेयर टू शॉर्ट पोजिशन गाइस इसका रीजन ये है दैट लास्ट ट्वेंटी आवर में बेट ने ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हैं 800 हंड्रेड डॉलर का डिसेंट बाउंस बैक लिया है अपसाइड की तरफ एंड करेंटली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज द ओनली रीजन गाइज हमें काफी अच्छी सिमिलैरिटी जो है वो यहां पर नोटिस कर सकते हैं सभी एक्सचेंजेस के अंदर बट गाइज आप देख सकते हैं अगर मैं वन आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज की बात करूं सो so आप ये देख सकते हैं दैट स्लाइटली गाइज नॉट स्लाइटली लाइक मैसिवली मैसिवली शॉर्ट पोजिशन ज्यादा ओपन है ऑल अक्रॉस द एक्सचेंजेस एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजिशन गाइज उसका रीजन ये है दैट बेड क्वन करेंटली मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ओवर द वीकेंड एंड जब भी गाइज वीकेंड पे यू नो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है नेक्स्ट वीक में उसका फॉलोअप हमें जर्नली देखने को नहीं मिलता है सिंस सीएमई फ्यूचर भी क्लोज होते हैं एंड ट्रेडिशनल मार्केट भी ट्रेड नहीं कर रही होती है सो so, हम देख सकते हैं गाइज वन आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज शॉर्ट पोजिशन मैसेवली ज्यादा ओपन है लॉन्ग पोजिशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पोजिशन गाइस फ्यूचर मार्केट कैप्स की ट्वेंटी फोर आवर रियल वॉल्यूम की बात करूँ टॉप टेन एक्सचेंजेस के अंदर आप ये देख सकते हैं टॉप टेन एक्सचेंजेस के अंदर स्पेसिफिकली बेट को लेकर दैट इज कमिंग एट अराउंड टू बिलियन डॉलर जो कि गाइज कल से काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई है एंड सिंस ये वीकेंड है सो so हमें पता है दैट वीकेंड में जनरली ज्यादा ट्रेडिंग पोजीशंस ओपन नहीं होती है सी फ्यूचर्स भी क्लोज होते हैं सो so यहां पर हम देख सकते हैं दैट वॉल्यूम स्लाइटली डिक्लाइन हो रहा है बट स्टिल गाइस ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है एंड इवन इफ हमें बेटकॉइन में अभी भी कोई डिसेंट मूव देखने को मिलता है दैट विल नॉट बी अ फेक आउट गाइज बिकॉज अभी भी डॉलर की जो वॉल्यूम है वो ट्रेड हो रही है टॉप टेन एक्सचेंजेस के अंदर एंड बात करूं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की so देख सकते हैं का एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं जो मार्केट में ग्रीड है वो एक्सट्रीम हाई पे है ये नाइनटी की रीट शो कर रहा है एंड गाइजी देख सकते हैं

गाइज ये अपने आप में एक पर्टिकुलर सिग्नल नहीं है डेफिनेटली आपको इसके साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज गाइज आप ये देख सकते हैं इफ आपने सिक्स नवंबर से बिटकॉइन को शॉर्ट किया होता ये सोचते हुए दैट ग्रीड का लेवल काफी हाई है Trust me, अभी तक आपको काफी नुकसान हो चुका होता बिकॉज फ्रॉम मोर देन वन मंथ आप ये देख सकते हैं जो greed का लेवल है, वो ये काफी हाई जोन के अंदर रहा है डेफिनेटली गाइस ये एक ऐसी पॉइंट जरूर है जो आपको कॉशियस रखती है हमेशा केयरफुल जरूर रखती है बट गाइस ये अपने आप में एक सिग्नल नहीं है डेफिनेटली मार्केट के सेंटिमेंट काफी ग्रीडी है एंड यू नो कम वीक्स एक हमें चेंज अच्छा होता हुआ दिखेगा एंड गाइज बात करूं ओपन इंट्रस्ट की सो so हमें देख सकते हैं ओपन इंट्रस्ट भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ओके एक्स फ्यूचर बायस बाइनेस फ्यूचर द फोर बिलियन डॉलर की जो पोजिशन है Bitcoin में वो अभी भी ओपन है एंड अनसेटल्ड एंड अनसेटल से काफी ज्यादा ऑलमोस्ट वन बिलियन डॉलर डिक्लाइन हुई है बिकॉज वीकेंड्स पे गाइस लोग अपने ट्रेड्स को ओपन रखना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं सिंस यू नो यू नो वीकेंड्स में हमें इतने अच्छे मूव जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं गाइज मूव हमें अच्छे देखने को मिलते हैं बट नेक्स्ट वीक तक उसका फॉलोअप जो है वो हमें जनरली देखने को नहीं मिलता है

बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है सो गाइस बिटकॉइन की मार्केट मैट्रिक्स को अपडेट करने के बाद जल्दी से हम अपनी बिटकॉइन एनालिसिस की तरफ चलते हैं एंड गाइस आज हम अपनी बिटकॉइन एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के साथ जहां पर गायस आप ये देख सकते हैं दैट कल की हमारी वीडियो से अनालिसिसमोस्ट सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर सो ऑलमोस्ट 800 डॉलर का एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है जो कि अप्रोक्सिमेटली एक डिसेंट नो यू नो फोरसेंट फाइव परसेंट का मूव है सो दिस इज स्टिल लुकिंग ऑन अ वेरी मच लेवल स्टिल आप ये ये देख सकते हैं गाइस दैट जो 200 डिसियल मूविंग एवरेज है जो ये येलो डॉटेड लाइन है बेट बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल का रोल प्ले कर रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बट एट द सेम टाइम हम ये देख सकते हैं दैट ग्रीन 55 फाइव एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज एंड 89 नाइन एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज भी एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट यहां पर हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है एंड गाइज अगर यहां से मैं मूविंग एवरेज को क्लोज करूं एंड सपोर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करने से पहले गाइज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम आप स्टिल देख सकते हैं डाउन ट्रेंड दिस इज योर हाई सॉरी दिस इज योर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड यस गाइज डेफिनेटली इफ बेट क्वाइन नेक्स्ट कमिंग फोर आवर कैंडल जो है एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर के ऊपर क्लोज करता है या इस कैंडल के लास्ट हाई से सॉरी इस कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है जो कि एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स डॉलर है सो so गाइस अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मेट होती है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ये जो डाउन ट्रेंड है हमें ब्रेक होता हुआ जरूर दिखेगा एंड गाइस वो कब पॉसिबल है इफ बिटकॉइन में हमें नेक्स्ट कमिंग फोर आवर कैंडल जो है 18,550 डॉलर के ऊपर क्लोज देखने को मिलता है या बिटकॉइन इस कैंडल के हाई से से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, है। है, जो कि 18,626 ऐसा होता अगर मैं सपोर्ट को ऑन करूँ सो गाइस आप इस चीज को काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हैं that ये जो रेजिस्टेंस लेवल है टर्म टाइम फ्रेम पे ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीवियसली आप देख सकते हैं दैट ये Bitcoin के काफी अच्छा सपोर्ट लेवल का रोल प्ले कर रहा था गाइस को से थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी के ऊपर लुक फॉर द नेक्स्ट अपड टार्स बैक अब थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड आई डू नॉट थिंक गाइज उसके बाद बेट क्वन वहां पर स्टॉप करेगा बिकॉज गाइज आप ये देखें अगर ग्रांड स्कीम में देखें अगर आप मैक्रो स्केल पर देखें सो दिस विल बी योर लो एंड दिस विल बी योर हायर लो एंड इफ आप बात करें अपसाई टारगेट की दिस इज योर हाई एंड दिस विल बी योर हायर हाई सो गाइज आप ये देख सकते हैं दैट जनरल परस्पेक्टिव पे जहां पर आप डेली टाइम फ्रेम ट्वेल्व ऑवर टाइम फ्रेम की बात करें बेट क्वाइन अप ट्रेंड में है डेफिनेटली बेट के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हमें एक डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है बट टिल द टाइम गाइस टारगेट जैसे मैंने आपको कल यू you नो know, बताया था दैट जब तक बिट कोई भी आवर कैंडल जो है डॉलर के नीचे क्लोज नहीं करता है अपसाइड टारगेट की जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हाई है बट गाइज आई विल इंस्टेंटली आई विल इंस्टेंटली बिकम बेरिश द मोमेंट बिटकॉइन में हमें कोई भी फोर आवर कैंडल जो है 17,550 नीचे क्लोज देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम अपसाइड टारगेट 18,550 हम टॉप साइड टारगेट की बात कर सकते हैं बट एज ऑफ नाउ गाइस बिटकॉइन साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है आप ये देख सकते हैं दैट वॉल्यूम भी काफी हद तक डिक्लाइन हो रही है यहां से सो दिस इज समथिंग टू बी वेरी केयरफुल यू नो नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज बट येस यहाँ पर हमें काफी अच्छा ट्रेड सेटअप जो है वो देखने को मिल रहा है गाइज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइज दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज एट ऑल आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से दिस इज गिविंग यू अ वेरी डिसेंट ट्रेड इफ आप यहाँ पर यू नो मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं यू हैव अ वेरी नाइस रिस्क रिवॉर्ड रेशो जहाँ पर आपको एक डिसेंट अच्छा गेन मिल सकता है आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये विक हाई हो सकता है एंड यू कैन यू नो स्टार्ट मेकिंग है और लैटर ट्रेड यहां से एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से वीकेंड एंड जो भी बिटकॉइन में हमें वीकेंड्स पे ट्रेड देखने को मिलते हैं वो जर्नली गाइज कमिंग वीक के अंदर बहुत ही जल्दी फेड हो जाते हैं बट यहाँ पर गाइज अगर जैसे मैंने आपको बताया बेटकॉइन इट स्टिल ऑन अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इफ हमें कोई भी फोर आवर कैंडल अपसाइड क्लोज देखने को मिलता है वी कैंड लुक फॉर अ मच मोर हायर टारगेट

बट बी वेरी केयरफुल बिकॉज हमें पर एक काफी अग्रेसिव ट्रेंड लाइन भी जो है वो देखने को मिल रही है जो कि बेट क्वन के रेजिस्टेंस को काफी अच्छे तरीके से डिफेंड कर रही है सो दिस इज दिस इज समथिंग टू बी वेरी केयरफुल आर एस आई में ऑलरेडी गाइज हमें काफी अच्छा कल बुल्स डाइवर्जेंस देखने को मिला था लो लोअर लो आप भी देख सकते हैं आर एस आई में हाई हायर हाई एंड ऑलमोस्ट एट हंड्रेड डॉलर का अपसाइड मूव सो काफी pretty, काफी डीसेंट था एंड गाइज अगर आप यू you नो know, मेरे ओपिनियन जाना चाहते हैं पर्सनली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आई डू फील दैट यू नो ये जो मूव है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है बट ये बिटकॉइन एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है वी कैन लुक फॉर अ मच मोर हायर टारगेट आर एस एम आप ये देख सकते हैं दैट जो स्ट्रेंथ है एंड जो मोमेंटम है वो भी अपसाइड मूव कर रहा है सो शॉर्ट टाइम यू नो सॉरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम आर लुकिंग प्रेटी डीट गाइज एंड वॉलेटिलिटी अभी भी एक्सपैंड कर रही है सो बिटकॉइन बोल्स के पास अनडाउटेडली एक काफी डिसेंट चांस है गाइज यू नो ये मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का एंड आई एम हैप्पी टू ट्रेड ऑप्स यू नो आप भी बोल सकते हैं गाइज आई एम हैप्पी टू ट्रेड फॉर एन अपसाइड पोजिशन एज वेल बिकॉज अपसाइड ट्रेड के लिए भी हम हमारे यहाँ पर एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड आता है बट गाइज वो तभी पॉसिबल है If हमें बिटकॉइन में नेक्स्ट फोर आवर कैंडल थाउजेंड फाइव हंड्रेड चेक, लेता फ़ड़। so, पे अगर चेक करें so, काफी कर रहे हैं टू आवर टाइम फ्रेम इट मूविंगली टू दिड दिसरी स्ट्रॉन्ग गाइस एंड वन आवर हम चेक करें सो so, ये ये अभी भी काफी अच्छे तरीके से बुलिश जोन के अंदर कंफर्टेबल हैं एंड स्लाइटली नीचे भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बट एज ऑफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देख सकते हैं दैट जीरो रेट शो कर रही है विच मीन दैट बेट में एक काफी अच्छा एक शॉर्ट टर्म मूव हमें देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है डेफिनेटली गाइज शॉर्ट टर्म मेरे भी इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज नहीं है यहां पे कर बट येस बिटकॉइन बुल्स के पास एक डिसेंट चांस है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का एंड टॉप साइड टारगेट्स को दोबारा रिटेस्ट करने का जहां पर आई थिंक गाइस दैट यू नो बिटकॉइन को एक काफी अच्छा फॉलोअप जो है वो अपसाइड भी देखने को मिलेगा बट द रीजन गाइज मेरे जो व्यूज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीकेंड है एंड हम ये देख सकते हैं गाइस है, वो एटीन थाउजेंड के एटीन थाउजेंड ट्वेंटी डॉलर के ऊपर क्लोज है सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट पॉइंट गाइस एंड जो जर्नली नेक्स्ट वीक का फॉलोअप हमें देखने को मिलता है वो काफी जल्दी फेड भी हो जाता है प्लस ये यू नो बेट क्वाइन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को भी यू नो रिटेस्ट कर रहा है एंड इफ यू नो बेट क्वाइन बोल्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाते हैं

Guys, ये जो ये थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर है ये टाइम फ्रेम पे एंड ट्वेल्व फ्रेम पे काफी सपोर्ट पॉइंट है एट द सेम टाइम थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंडी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी के ऊपर क्लोज होता है आई प्लस गाइज आप ये देख सकते हैं हिडन जेंस यहाँ पर कंफर्म हो रही है आप भी देख सकते हैं प्राइस एक्शन में लो एंड आर एस आई में लो एंड लोअर लो सो वाह मैंने अभी पर फर्स्ट टाइम देखा है गाइस सो so, काफी डिसेंट चांस है बिटकॉइन बुल्स के पास यू uh, नो you know, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का एंड आई थिंक इफ ट्वेल्व आवर कैंडल जो है जिसको क्लोज होने में यू नो वन आवर एंड फिफ्टीन मिनट्स हैं एंड आई डू फील दैट इफ नेक्स्ट आवर कैंडल जो है वो एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर के ऊपर क्लोज होता है गाइज आई थिंक कमिंग वीक के अंदर ये जो प्राइस एक्शन है हमें अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन थाउजेंड एंड नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर के अराउंड आता हुआ देखेगा सिंस ये जो हिडन बोलेस्ट टाइवर्जन है इसका काफी स्ट्रॉग हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा एंड वॉलिटिलिटी गाइज अगर हम यहाँ से चेक करें सो so अभी भी डिक्लाइन कर रही है एंड स्लाइटली गाइज हम देख सकते हैं एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है यहाँ से तो गाइज डेली टाइम फ्रेम एंड ट्वेल्व अवर टाइम फ्रेम आई डू फील दैट बिटकॉइन बुल्स के पास एक काफ़ी डिसेंट चांस है यहाँ से हिडन बुल्स डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है गाइज आर एस एल लोअर लोज प्राइज एक्शन लो सॉरी लो एंड हायर लो सो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे ट्वेल्व आवर टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको बताया गाइज स्टिल डेली टाइम फ्रेम ट्वेल्व अवर टाइम फ्रेम टू डे टाइम फ्रेम थ्री डे टाइम फ्रेम वीकली गाइस सारे ही मैक्रो टाइम फ्रेम अभी भी काफी हद तक बुलिश हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग एट ऑल बट अभी गाइस शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन बुल्स के पास एक काफी डिसेंट चांस है ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का एंड वी कैन लुक फॉर एन अपसाइड टारगेट डाउन गाइस स्टिल यू नो आप ही बोल सकते हैं एक यहां पर मैं ट्रेंड लाइन जरूर क्रिएट करना चाहूंगा सो so इसको हम क्रिएट कर लेते हैं थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर पर जिसको मैंने कल रिमूव कर दिया था

फर्स्ट वीकली क्लोजर जो है वो हमें अपर बॉलेंजर बैंड से नीचे देखने को मिला है एंड काफी सिग्निफिकेंट नीचे था ये ऑलमोस्ट थाउजेंड डॉलर नीचे हमें देखने को मिला है अपर बैंड से नाउ गाइस यहां पर मैं मैक्रो स्केल की बात कर रहा हूं दैट डजेंट मीन दैट वो जो मूव है वो कल या परसों होने वाला है दिस कैन टेक वीक्स टू मंथस बिकॉज वीकली एक काफी बड़ा टाइम फ्रेम है एंड गाइज आई डू फील दैट यू नो

दैट स्केल पे ये हमारा फर्स्ट वीकली क्लोज है बॉलेंजर बैंड से नीचे सो दिस इज समथिंग टू बी वेरी केयरफुल बिट कॉइन कैन स्टिल कम बैक टू सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट स्टिल गाइज वो बेरिश बिल्कुल भी नहीं होगा हम ये टेन सिंपल मूविंग एवरेज को रिटेस करेंगे एंड दैट वुल स्टिल नॉट बी वेरी बेरिश एंड अगर इसको मैं स्पॉट मार्केट पर चेक करूँ सिंस नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर में मोर देन ट्वेंटी फोर आवर में हमें जो है नेक्स्ट वीकली क्लोजर देखने को मिलगा स्पॉट मार्केट पर एंड यह है नाइनटीन थाउजेंड जस्ट चेक दिस अगेन

डॉलर को रीटेस्ट कर सकता है एंड आई डू फील दैट स्टिल बी गेटी मच बुलिश वहां पर कुछ भी बेरिश मुझे देखने को नहीं मिलेगा uh, वीकली सो कैसे काफी अग्रेसिवली डाउन साइड आ रहे हैं सो दिस इज समथिंग टू बी वेरी केयरफुल यू नो इफ इफ आप आप बिटकॉइन को एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं आप एक इन्वेस्टर हैं यू कैन लुक फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ डाउन साइड मूव आप लोअर लेवल्स पे बिटकॉइन को बाय करके होल्ड कर सकते हैं नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस मैक्रो स्केल पे दिस कैन प्रेटी मच कम बैक डाउन टू सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट स्टिल वो बुलिश रहेगा बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया लुकिंग की डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जल्दी से हम कुछ ऑल्ड क्वाइंस को भी चेक कर लेते हैं एंड इस वीडियो को कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रैपअप करेंगे सो so, सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर चेक करेंगे इथेरियम को डेली गाइज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी ब्यूटिफुल लो हायर लो प्राइज एक्शन हाई हायर हाई नथिंग टू गेट बेरिश एट ऑल बेटक सॉरी इथेरियम अभी भी काफी अच्छे तरीके से uh, ये असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर है आप भी देख सकते हैं दिस सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर इज योर रेजिस्टेंस लेवल आई थिंक गाइज इफ इथेरियम यू नो अगर आप मैक्रो स्कील की बात करें इफ आप बेटकॉइन इन्वेस्टर हैं आई एम सॉरी गाइज मैं बार बार बेटकॉइन बोल रहा हूँ आई एम सोरी बहुत अनोइंग होगा सो आई रियली पॉलोजाइज फॉर दैट इफ इथेरियम में हमें नेक्स्ट फोर आवर कैंडल और यू कैन से इवन डेली क्लोज जो है डॉलर के ऊपर देखने को मिलता है गाइज वेरी लाइकली ये जो असेंडिंग ट्राइंगल का नेक्स्ट मूव है हमें अप्रोक्सिमेटली सेवन हंड्रेड एंड फोर डॉलर पर रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा दिस इज स्टिल ऑन अ वेरी न्यूट्रल जोन गाइज बट जो सपोर्ट लेवल है एंड जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अनचेंज है द मोमेंट इथेरियम में हमें कोई भी डेली कैंडल जो है 525 डॉलर के नीचे देखने को मिलता है ये जो प्राइस एक्शन है गाइस हमें अप्रॉक्सिमेटली 480 डॉलर पे रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा एट द सेम टाइम गाइस अगर आप टॉप टारगेट की बात करें द मोमेंट इथेरियम में अब हमें कोई भी जो डेली कैंडल है गाइस 580 डॉलर के ऊपर देखने को मिलता है ये जो डाउन ट्रेंड है गाइस ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली गाइस वेरी लाइकली इथेरियम दोबारा से सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डॉलर के रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा रिटेस्ट कर सकता है मोमेंटम ऑस्लेटर्स डेलीस तो कैस ले कर कमिंग डाउन काफी काफी अग्रेसिवली यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं फॉर्म होती हुई दिख रही है सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड गाइज मैगडी में मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा वीक हैं नॉट लुकिंग गुड एट ऑल एंड एंड यहां पर में कोई भी जो बुलेट डाइवर्जेंस है आर एस एम में वो फॉर्म होती हुई नहीं दिख रही है स्टिल इन टू द न्यूट्रल जोन सो यू नो इथेरियम में काफी क्रिटिकल सिचुएशन पे है गाइज नो डाउट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इसको चेक कर लेते हैं गाइज यू कैन सी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाउन ट्रेंड हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लोज एंड येस गाइज इफ आप काफी अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं इथेरियम को फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डॉलर के नीचे फोर आवर कैंडल वी कैन लोक फॉर अ डाउन साइड मूव डेली क्लोज बिलो फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डॉलर बी कैन लोक फॉर अ डाउन साइड मूव बैक डाउन टू फोर हंड्रेड एंड एटी डॉलर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी वीक नो डाउट गाइज इथेरियम के बाद हम अपने नेक्स्ट ऑल्ड क्वन की तरफ चलते हैं यहाँ पर हम चेक करेंगे चेन लेंक को एंड चेन लिंग भी गाइस आप ये देख सकते हैं कंप्लीटली डाउन ट्रेंड हाई लोअर हाईज लोअर हाइज लोअर लोज

Uh, जो फोर यू नो फोर आवर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली थी वो आई थिंक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है मोमेंटम इज स्टिल से नीचे ट्रेड कर रहा है आई के नॉट गेट बुलिश एट ऑल एंड आई डू फील दैट कमिंग डेज के अंदर ये जो प्राइस एक्शन है हमें अप्रॉक्सिमेटली टेन डॉलर के अराउंड रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा जो कि चेन लिंक का काफी मेजर एंड काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां पर टू हंड्रेड एक्सपीरेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है गाइस चेन लिंक के बाद हम अपने नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन की तरफ चलते हैं लेट्स चेक एक्सआरपी एक्स आर पी में क्या रहा है ओ ने तो आई थिंक यहाँ पर मेरे को कुछ न्यूज भी सुनने को मिली थी कुछ एयर ड्रॉप हो रहा है एक्स आर पी के अंदर पीपल विल डंप द टोकन गाइज ऑनेस्टली जिस टोकन के पीछे जेड मकेलब जैसा बंदा है द पर्सन हु वॉज हैंडलिंग माउंट गॉक्स एक्सचेंज जो जिस बंदे के हाथ में माउंट गॉक्स एक्सचेंज था ये एक्स आर के एक्स आर पी के पीछे भी हैं एंड आई थिंक ये स्टेलर के पीछे भी हैं सो so, जिस टोकन के पीछे जेड मकेलप जैसा बनता है गाइज यू नो ऑनेस्टली नॉट अ एनी नॉट अट एनी आई एम नॉट बैशिंग एनी वन गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी टोकन होल्डर के खिलाफ नहीं हूँ यहाँ पे बट गाइज माई पर्सनल व्यूज दैट दैट पर्सन इज वेरी शेडी काफ़ी शेडी बनता है वो एंड यहाँ पर अगर हम बात करें अनालिसिस की डेली क्लोज बिलो फिफ्टी सेंट गाइज हम डाउन साइड टारगेट की बात कर सकते हैं बैक डाउन टू फोर्टी सेंट्स एज ऑफ नाउ गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट कर रहे हैं तो कैस्ट के परस्पेक्टिव से दिस इज एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट गाइज एक्स आर पी के अंदर सो बी वेरी वेरी केयरफुल मैगडी में जो मोमेंटम uh, है एंड स्ट्रेंथ काफी अग्रेसिवली डाउन वाली है एंड यहाँ से अगर हम बात करें वॉलीटिलिटी की सो ये कूल ऑफ हो रही है सो आई डू फील गाइस इफ़ यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलता है एंड जो बिग वेल्स हैं वो यहाँ पर टोकन को डंप नहीं करते हैं आई स्टिल फील दैट फिफ्टी सेंट कैन बी योर गुड सपोर्ट पॉइंट एंड सिक्सटी थ्री सेंट कैन बी ओर वेरी गुड रेजिस्टेंस पॉइंट आई नो ये जो रेंजेस है वो काफ़ी बड़ी हैं गाइज बट वी आर डीलिंग विद द बिग नंबर्स राइट नो बिट में भी काफ़ी अच्छी वॉलीटिलिटी है यू नो टिल द टाइम यहाँ पर हमें साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड द मोमेंट हमें डेली कैंडल फिफ्टी सेंट के नीचे देखने को मिलता है आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर मच मच लोअर प्राइस टारगेट ऑन एक्स आर पी एक्स आर पी के बाद गाइज हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कार्डनो कोडनो को हमने काफी टाइम से चेक नहीं किया है एंड वॉट डू वी नो गाइज डाउन ट्रेंड हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लोज ऑल दाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई गाइज डाउन ट्रेंड एनी डाउन ट्रेंड कब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक कार्डनों में डेली कैंडल जो है 950 हंड्रेड के ऊपर क्लोज नहीं होता है दिस इज नॉट लुकिंग गुड गाइज इसके ऊपर एनालिसिस करना भी बेस्ड um, है गाइज ऑनेस्टली नॉट नॉट बैशिंग एनी एनी टोकन होल्डर गाइज मेरे किसी के साथ भी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है बट दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड गाइज दिस इज अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड फ्रॉम सिक्स मंथ्स यू नो आप ही देख सकते हैं यू नो आई एंड आई डू फील दैट इफ़ ये uh, दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है दिस कैन कम बैक डाउन टू सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सतोशी एंड बियंड गाइज काटने के बाद जल्दी से हम uh, एक बार वजीर एक्स चेक कर लेते हैं इस को, टोकन को भी मैं पर्सनली चेक करना चाहता था सो वजीर एक्स टोकन ओ ओह गाइज मै यू नो ऑनेस्टली गाइज यू नो नॉट बैशिंग एनी टोकन होल्डर मेरे किसी के साथ भी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है यहाँ पे बट आई 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 थिंक गाइज मैंने इससे ज्यादा शिटियस चार्ट नहीं देखा है किसी भी टोकन का ऑनेस्टली गाइज दिस इज अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन ईयर यू uh, नो you know, काफी लोग पोटेंशियली यहाँ पर ये बोल रहे ये ऑल टाइम लो बाइंग अपॉर्चुनिटी है बट यू नो टेल मी वन थिंग दट अगर यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेते भी हैं व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस पोजीशन गाइस यहाँ पर कोई रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेटली सपोर्ट जरूर दिख रहा है यहाँ पर हमें थ्री सतोशी पे बट आपके पास कोई स्टॉप लॉस पोजिशन uh, नहीं है कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है सो आप यहाँ पर ट्रेड कहाँ पे लेंगे डेफिनेटली इफ ये फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सतोशी के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट हमें काफी अच्छा लोकल बॉटम जरूर देखने को मिला है जहां पर दैट यू नो जहां पर आप ये बोल सकते हैं एक काफी अच्छी यू नो आप रिस्क uh, रिवॉर्ड ट्रेड ले सकते हैं या काफी अच्छी ट्रेडिंग पोजिशन सेटअप कर सकते हैं नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट गाइज दिस इज अ कंप्लीट यू नो इट फील्स लाइक दैट यू नो नॉट अबाउट द मैनेजमेंट बट कम्प्लीट यू नो सेलिंग प्रेशर है इस टोकन के ऊपर नो डाउट दिस इज एट एन ऑल टाइम लो इफ ए थ्री हंड्रेड एंड सतोशी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सतोशी का लेवल ब्रेक होता है आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर मोर मोर डाउन साइड एक्शन ऑन वजीर एक्स टोकन एंड आई एम यू नो आई एम फीलिंग वेरी सिंपथाइज फॉर एनी वन जो वजीर एक्स टोकन को इतने टाइम से होल्ड करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बैक डाउन टू थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सो एनालिसिस करना सही नहीं रहेगा गाइज बिकॉज मैं यहां पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहता हूं दिस इज नॉट अंशियल चैनल एट ऑल इफ आ फाइनेंशियल एडवाइस देख रहे हैं गाइज यू नो दिस इज नॉट द राइट चैनल फॉर यू बट ओवरऑल दिस इज नॉट लुकिंग गुड सो गाइस आज की ऑल्ट कॉइन एंड एनालिसिस को यहीं पर बेटक आप करूंगा guys, इफ आपको मेरी आज की एनालिसिस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो सो so प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर दैट आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको डेली बेट क्वन एंड क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रखूं एंड गाइस इफ अभी तक आपने मेरी इनक्रेडिबल टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है उसका भी जो लिंक है गाइस वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है So, आप वो लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड मेरी इंक्रेडिबल टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस है ग्रेट डे है अ ग्रेट वीकेंड प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच